ओम सुप्रभात आप सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण तिवारी अपने ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत योग के साथ, योग कीजिए, स्वस्थ रहिए। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम अपने पेट और जांघों की चर्बी को कैसे कम करें। इसके लिए हम करेंगे योग अभ्यास। तो हमने 100 बार करना है। बिल्कुल घुटने सीधे, पंजे सीधे, पांव सीधे रहेंगे। दूसरा अभ्यास आएगा हमारा, दोनों पैरों से एक साथ करेंगे हम, कम से कम 20 बार। आपके घुटने सीधे रहेंगे, पंजे सीधे रहेंगे, हाथ आपके सीधा बगल में सीधे रहेंगे। फिर विपरीत दिशा में पहले घुमाएंगे, सीधी दिशा में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर विपरीत दिशा में पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। देखिए पूरी जितनी आप गोलाई में घुमा सकते हैं, जितना बड़ा गोला बना सकते हैं उतना ज़्यादा फायदा। तो आप कोशिश कीजिए कि पूरा गोला बना के चले और आपका घुटना सीधा होना चाहिए, पंजे सीधे होने चाहिए। इसके बाद करेंगे हम दोनों पैरों से एक साथ, लेकिन जिनको घुटनों की समस्या है, कमर दर्द की समस्या है, वो लोग इस अभ्यास को नहीं करेंगे। जो बिल्कुल स्वस्थ हैं दोनों पैरों से, वही इस अभ्यास को करेंगे। इसमें भी घुटने सीधे, पंजे सीधे। पहले सीधी दिशा में क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। की बात करेंगे हम साइड, बिल्कुल सीधे आपके पांव पूरे स्ट्रेट होने चाहिए, आगे तक जाएंगे गोलाई लेते हुए। और पहले सीधी दिशा में और फिर कम से कम इसको बार करना है हमने 50 बार। और फिर एंटी क्लॉकवाइज। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये अभ्यास करके हम अपने पेट की चर्बी को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। और जब आप ये अभ्यास करते हैं तो आपके पूरे पेट पे बल जाता है और इसी से हमारे पेट कम होना शुरू होता है। तो आप नियमित कीजिए इस अभ्यास को, योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।